नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु नगर परिषद खनियाधाना के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु नगर परिषद खनियाधाना के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा नगर के सिंह सागर तालाब की सुंदरता बढ़ाने के लिए नगर परिषद द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसमें तालाब का गहरीकरण, तालाब की सफाई, तालाब पर बने घाटों की सफाई, नए घाटों का निर्माण एवं तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को भी मुक्त कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 जून से लेकर 16 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज के किले के पीछे स्थित बावड़ी की सफाई एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद सीएमओ संतोष सोनी ने बताया कि इस अभियान को लेकर विशेष तैयारी चल रही है, जिसमें शासन द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ है उस आदेश के अनुसार नगर के तालाब की सुंदरता बढ़ाने एवं कुएं व बावड़ियों की सफाई और गहरीकरण कर जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही तालाब को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पूरी जवाबदारी से नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस अभियान को लेकर नगर परिषद सीएमओ संतोष सोनी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ नगर के तालाब की सुंदरता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएमओ संतोष सोनी ने बताया कि नगर के तालाबों सहित कुओं और बावड़ियों में बहुत गंदगी थी और तालाब के पीछे की तरफ कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया था। तालाब की साफ सफाई और नए घाटों का कार्य कराया जा रहा है और तालाब को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। सर, जो आज नगर में तालाब बावड़ियां और कुओं की सफाई है, ये क्या है पूरा मामला? ये शासन की योजना चल रही है जल गंगा संवर्धन अभियान, ये 6 तारीख से 16 तारीख का अभियान चल रहा है। इसमें कुआ जल जितने भी जल संग्रहण वाले कुएँ हैं उनका जीर्णोद्धार एवं उनकी साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है शासन द्वारा, जो 16 तारीख तक निरंतर चालू रहेगा।